अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मैटर यूट्यूब चैनल और आज हम आपको लेके हैं DHA लाहौर के अंदर, जहां पर हम विजिट करेंगे टू कनाल मॉडर्न मैंशन का ओवरव्यू, जिसकी अकोमोडेशन के अंदर आपको 6 बेडरूम, टीवी लॉन, स्विमिंग पूल, लिफ्ट और जो है वो सिनेमा रूम मिलेगा। कम्प्लीट अगर हम कवर्ड एरिया की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 16,000 square feet इसका कवर्ड एरिया है। डायमेंशन जो है वो स्टैंडर्ड डायमेंशन है 100x90 और फुली फर्निश्ड जो है वो आपको ये घर मिलेगा। यूटिलिटीज़ के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, वाटर सप्लाई कनेक्शन जो है वो इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलेगा। कंप्लीट मॉडर्न डिज़ाइन के अंदर घर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है, जिसका आप एलिवेशन देख सकते हैं, जिसको 3 different color के साथ जो है वो थीम दिया गया है, जहाँ पर आपको डार्क ब्लैक, ब्राउन और ऑफ वाइट के अंदर आप ये देख सकते हैं। मेन बुलेवार्ड का ये घर है, जिसकी में आपको जो एक्सटर्नल ग्रीन एरिया है वो अप्रॉक्सीमेटली 11 feet के डायमेंशन के ऊपर मिलेगा। कंप्लीट ग्रीन एरिया के अंदर आपको प्लांट्स की जो है वो इंस्टॉलेशन मिलेगी। 6 feet हाइटेड आपको बाउंड्री वॉल मिलेगी, जिसके टॉप के ऊपर इलेक्ट्रिक फेंस जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ग्रीन एरिया के बाद हम चलते हैं रैंप की तरफ, जहां पर कम्प्लीटली जो है वो 2x2 की जो है वो टाइल का यूज़ किया गया है। रैंप से अगर आप एलिवेशन का व्यू देखेंगे तो आपको ये एक फ्रंट के ऊपर जो है वो कम्प्लीटली जेट ब्लैक कलर के थीम के साथ जो है वो इसका एलिवेशन मिलेगा। रैम से एंटर होते ही साथ आपको फ्रंट के ऊपर जो है वो कार गैराज मिलेगा, जहां पर अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 कार की पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। सेप्टिक टैंक और अंडरग्राउंड वाटर टैंक की जो पोजिशन है वो आपको फ्रंट के ऊपर मिलेगी। कम्प्लीटली टाइल का यूज़ किया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं डार्क ग्रे और फ्रंट के ऊपर आपको वुडन कलर के थीम के साथ ही कंप्लीट जो है वो कार गैराज मिलेगा। सीलिंग कंप्लीटली जो है वो आपको वुडन कलर में मिलेगी और फ्रंट के ऊपर आप ये देख सकते हैं मोज़ेक का यूज़। बाउंड्री वॉल की अगर हम बात करें तो अगेन ये आपको 6 feet की मिलेगी और दोनों साइड से आपको जो है वो स्पेस ओपन मिलेगी। उसके बाद हम चलते हैं इनर ग्रीन एरिया की तरफ, जो कि फ्रंट के ऊपर आपको मिलेगा, जहाँ पर अगेन जो है वो नेचुरल ग्रास जो है वो इसके अंदर लगाई गई है। एक कॉर्नर के ऊपर अगेन आपको सिटिंग की स्पेस मिलेगी और दोनों साइड से जो है वो आपको स्पेस बिल्कुल ओपन मिलेगी। यहाँ से जो है वो आप एलिवेशन का व्यू देख सकते हैं, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं 3 different theme के साथ आपको इसका कंप्लीट जो है वो एलिवेशन मिलेगा। टॉप के ऊपर आपको अगेन जो है वो वुडन कलर और उसके बाद फ्रंट के ऊपर आपको मास्टर बेडरूम से जो है वो फ्रंट स्ट्रीट का जो है वो व्यू मिलेगा। उसके बाद हम चलते हैं मेन इसकी एंट्रेंस की तरफ, तो एंट्रेंस के स्टेप्स के ऊपर अगेन आपको जेट ब्लैक कलर के मार्बल का यूज़ मिलेगा। 11 feet हाइटेड डोर, जो कि कम्प्लीटली एश वुड के साथ जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है और ब्रास के जो है वो हैंडल्स मिलेंगे। कम्प्लीटली फुली ऑटोमेटेड हाउस जो है वो ये कंस्ट्रक्ट किया गया है। डोर सेंटर होते ही साथ फ्रंट के ऊपर आपको डबल हाइटेड लॉबी मिलेगी और बॉटम के ऊपर कंप्लीट जो है वो इसका फ्लोर आपको कैले का मिलेगा, जिसमें आप इसकी डायमेंशंस देख सकते हैं। 4x8 की डायमेंशंस के अंदर आपको कंप्लीट जो है वो टाइल्स मिलेंगे। मिड में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको ट्रिपल हाइटेड लॉबी मिलेगी, जहाँ से आप बेसमेंट से जो है वो आप फर्स्ट फ्लोर का कंप्लीट जो है वो व्यू देख सकते हैं। उसके बाद आपको स्क्वायर शेप के अंदर इसको कंप्लीट जो है वो सीलिंग का डिज़ाइन मिलेगा। ग्राउंड फ्लोर के अगर हम अकोमोडेशन की बात करें तो यहाँ पर कंप्लीट जो है वो आपको 2 bedroom मिलेंगे, डाइनिंग एरिया मिलेगा, किचन की स्पेस मिलेगी और उसके बाद जो है वो आपको लिफ्ट की स्पेस जो है वो एक्सेस जो है वो आपको ग्राउंड फ्लोर से मिलेगी। अकोमोडेशन जो है वो वुडन फ्लोरिंग मिलेगी और जो एंट्रेंस के डोर हैं वो आपको एशवुड और टेम्पर्ड ग्लास के मिलेंगे। अगेन यहाँ पर एंटर होते साथ कंप्लीट फ्लोर के ऊपर आपको टाइल और कंप्लीट वॉल्स के ऊपर आपको नोवा पेंट का यूज़ मिलेगा। अराउंड 8 to 10% की कैपेसिटी यहाँ पर सिटिंग कैपेसिटी आपको मिलेगी। सीलिंग की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन के अंदर जो है वो सीलिंग का डिज़ाइन यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया है। फ्लोर से लेके रूफ तक जो है वो आपको सीलिंग की हाइट तक विंडो मिलेगी, जो कि अगेन डबल ग्लेज और टेम्पर्ड ग्लास जो है वो इसके अंदर यूज़ किया गया है।
उसके बाद हम चलते हैं मीडिया वॉल। तो यहाँ पर आपको बैक साइड के ऊपर एक मीडिया वॉल मिलेगी, जिसके टॉप के ऊपर आप देख सकते हैं LED, और बैक साइड के ऊपर आपको कम्प्लीटली जो है वो टाइल का यूज़ मिलेगा। यहाँ से ही आपको जो है वो बेडरूम की एक्सेस मिलेगी, और दूसरी साइड के ऊपर आपको जो है वो लॉबी की एक्सेस मिलेगी। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डाइनिंग एरिया। अगेन अगर हम इनर डोर की बात करें तो आपको 8 फीट हाइटेड डोर मिलेंगे। फ्लोर के ऊपर कंप्लीट जो है वो आपको टर्किश स्टाइल का यूज़ मिलेगा। डाइनिंग एरिया के अंदर आपको 10% की सिटिंग स्पेस मिलेगी, और यहाँ पर अगेन जो वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है वो आपको फ्लोर से लेकर सीलिंग तक की हाइट में आपको इसको विंडो मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के अंदर आपको ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर के अंदर ग्रीक इन्वर्टर मिलेंगे। उसके बाद हम चलते हैं किचन की स्पेस की तरफ, जहाँ पर एक कंप्लीट किचन जो है वो आपको SMC का मिलेगा। लाइट कलर के थीम के अंदर इस कंप्लीट किचन को जो है वो डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पर आपको लाइट ग्रे कलर की बॉटम के ऊपर कैबिनेट्स, कंप्लीट कोरियन की शेल्फ और स्टेनलेस स्टील में आपको जो है वो इसका बर्नर मिलेगा। डाइनिंग की एक स्मॉल स्पेस जो है वो आपको किचन के अंदर भी मिलेगी, जहाँ पर आप ये कंप्लीट फर्नीचर देख सकते हैं, जिसमें आपको अगेन जो है वो ब्रास का एक्सेसिव यूज़ मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के अंदर आपको रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, ओवन जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल मिलेंगे। उसके बाद अगर हम वर्किंग किचन की तरफ जाएँ तो ये एक बैक साइड के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है। अगेन यहाँ पर भी एक ह्यूज स्पेस जो है वो आपको मिलेगी, इसकी एक्सेस आपको सेपरेट बाहर से भी मिलेगी और मेन किचन के अंदर से भी मिलेगी। तो ये था व्यूवर्स कंप्लीट मेन किचन और वर्किंग किचन का व्यू। किचन के अंदर से आप कंप्लीट आप ये देख सकते हैं लॉबी का व्यू, और आपको जो है वो फ्रंट का जो है वो किचन के अंदर से ही जो है व्यू मिलेगा। उसके बाद हम चलते हैं रूम्स की तरफ। मास्टर बेडरूम और ग्राउंड फ्लोर पे एक स्टैंडर्ड साइज़ का बेडरूम आपको मिलेगा। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें मास्टर बेडरूम से, तो अगेन इसके स्टेप से पहले ही आपको जो है वो कंप्लीट वुडन फ्लोर जो है वो अगेन मरीशियन वुडन फ्लोर मिलेगा। एंटर होते ही साथ आप ये देख सकते हैं प्रॉपर जो है वो आपको 8-10% की सिटिंग कैपेसिटी रूम के अंदर भी मिलेगी। वॉल्स के ऊपर अगेन आपको ट्रेवर्टाइन का यूज़ मिलेगा, जो कि कम्प्लीटली फ्लोर से लेके रूफ तक की हाइट में जो है वो ट्रेवर्टाइन का यूज़ किया गया है। उसके बाद अगर हम सीलिंग की बात करें तो आपको ये वुडन कलर में सीलिंग मिलेगी, जहाँ पर आपको लेफ्ट राइट सीलिंग फैन और मिड में शैंडलर मिलेगा। उसके बाद हम चलते हैं किंग साइज बेड की तरफ, जो कि अगेन आपको एलिवेशन वाली साइड में मिलेगा, और यहाँ पर भी अगेन आप ये देख सकते हैं सीलिंग हाइट तक आपको इसकी विंडो, जहाँ से आप जो है वो ग्रीन एरिया का व्यू देख सकते हैं। और ये आप ये देख सकते हैं क्योंकि कंप्लीट हाउस जो है वो फुली ऑटोमेटेड है, जहाँ पर कर्टन्स के अंदर भी जो है वो चीज़ें इंस्टॉल की गई हैं। उसके बाद हम चलते हैं बेड की तरफ, तो अगेन आपको डार्क कलर में जो है वो ये बेड मिलेगा। लेफ्ट राइट आपको इलेक्ट्रिक लैंप, जो कि अगेन आपको ब्रास में मिलेंगे। ट्रेंडिंग डिकोर जो है वो कम्प्लीटली इस घर के अंदर यूज़ किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में आपको 2 ग्रीक इन्वर्टर मिलेंगे। और उसके बाद हम चलते हैं वॉशरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम के साथ आपको एक ग्रैंड मास्टर बेडरूम मिलेगा, जिसका कम्प्लीटली थीम आपको ऑफ वाइट और ब्रास के अंदर मिलेगा। फ्रंट के ऊपर आपको सिंगल वैनिटी, जो कि कम्प्लीटली आपको गोल्डन कलर में मिलेगी। यहाँ पर आपको कंसील्ड टैप, और फिर आपको इसकी वॉक इन क्लोजेट जो कि कम्प्लीटली एश फुट के अंदर आपको मिलेगी। अगेन आपको टॉप तक इसकी हाइट मिलेगी। उसके बाद जकूजी की स्पेस, और वॉल्स के ऊपर अगेन आप ये देख सकते हैं आपको ब्राज़ीलियन ट्रेवर्टाइन का यूज इस वॉशरूम के अंदर मिलेगा। वॉल हैंग, कमोड और कंसील्ड शॉवर की स्पेस आपको डोर की बैक साइड पर मिलेगी। फिटिंग की अगर हम बात करें तो कम्प्लीटली जर्मन फिटिंग इसमें यूज़ की गई है ग्रोही की। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ।
जो कि राइट साइड पे आपको मिलेगा। फ्लोरिंग अगेन आपको इसकी वुडन मिलेगी, और कंप्लीट अगर हम इस रूम का थीम देखें तो आपको लाइट पर्पल और जेट ब्लैक कलर के कम्बिनेशन के अंदर कंप्लीट रूम का आपको थीम मिलेगा। मेन अगर हम फीचर्ड वॉल की बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको फॉर्मिक शीट ग्लास, और फ्रंट के ऊपर अगेन आपको जो है वो वेंटिलेशन के लिए विंडो। उसके बाद हम चलते हैं वॉशरूम की तरफ। तो वॉशरूम के अंदर अगेन आपको लाइट ग्रे और ऑफ वाइट कलर की कम्बिनेशन के अंदर ये कंप्लीट वॉशरूम मिलेगा, जिसमें आपको कोरियन की वैनिटी, एलईडी और डिफॉगर ग्लास मिलेगा। स्टोरेज स्पेस में अगर आप क्लोजेट की अगर हम बात करें तो ये अगेन आपको एक ह्यूज कैपेसिटी में आपको इसकी स्टोरेज स्पेस मिलेगी। उसके बाद वॉल हैंग कमोड, और दूसरी साइड के ऊपर आपको जो है वो कंसील शावर मिलेगा। कंप्लीट फिटिंग जो है वो आपको इसके अंदर जो है वो ग्रोही की मिलेगी। तो ये था व्यूवर्स कंप्लीट ग्राउंड फ्लोर का ओवरव्यू, जिसके अंदर आपको 2 बेडरूम्स, डाइनिंग एरिया, ड्राइंग रूम, और जो है वो आपको किचन की स्पेस मिलेगी। उसके बाद हम चलते हैं बेसमेंट की तरफ। तो आपको लॉबी के अंदर से कंप्लीट बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर का जो है वो व्यू मिलेगा। ये आप LEDs का जो है वो यूज़ देख सकते हैं, जो कि कंप्लीट जो है स्टेयर के ऊपर यूज़ की गई हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर अगेन आपको जो है यहाँ पर डबल ग्लेज ग्लास मिलेगा, और वुडन बार जो है वो टॉप के ऊपर आपको यूज़ मिलेगी। एंट्रेंस के बिल्कुल फ्रंट के ऊपर आपको सिटिंग स्पेस मिलेगी, इसको आप एज अ लिविंग एरिया भी यूज़ कर सकते हैं, और अगेन यहाँ पर भी जो है वो 10-8% की सिटिंग स्पेस आपको मिलेगी। कंप्लीट फर्नीचर जो है वो आपको ब्रास और वेलवेट का मिलेगा, और उसके बाद कस्टमाइज पेंटिंग आप देख सकते हैं इस घर के अंदर। राइट साइड के ऊपर आपको जो है वो पूल का व्यू मिलेगा। तो उसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट मास्टर बेडरूम की तरफ। फर्स्ट अगर हम मास्टर बेडरूम से स्टार्ट करें तो इसकी फ्लोरिंग आपको हाफ फ्लोरिंग आपको जो है वो वाइट कलर में मिलेगी, और जो इसकी मेन वॉल है उसमें आपको ब्रास और अगेन जो है वो फॉर्मिक शीट का यूज मिलेगा। रूम के साथ अगेन आपको जो है वो पैटियो, हर रूम के साथ जो है वो पैटियो मिलेगा। यहाँ पे आप बेसमेंट में भी देख सकते हैं, यहाँ पर प्रॉपर जो है वो सिटिंग स्पेस। और उसके बाद हम चलते हैं वॉशरूम और किंग साइज बेडरूम के, किंग साइज बेड की तरफ। तो दोनों साइड से आप ये देख सकते हैं आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलेगी। दूसरी साइड के ऊपर अगेन आपको जो है वो स्विमिंग पूल का व्यू मिलेगा। अगेन यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिक लैंप, मेन जो फीचर्ड वॉल है उसके अंदर आपको ग्लास का यूज़ मिलेगा, और दूसरी साइड की आप ये विंडो देख सकते हैं जहाँ से आपको कंप्लीट पूल का व्यू मिलेगा। वॉल्स के ऊपर अगेन आपको डार्क ग्रे कलर का पेंट। और उसके बाद हम चलते हैं अटैच वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम से पहले आप ये देख सकें दूसरी साइड का जो है वो ओपन एरिया। रूम और वॉशरूम का अगर हम थीम की बात करें तो कंप्लीट आपको रूम डार्क और वॉशरूम जो है वो लाइट कलर में मिलेंगे। अगेन यहाँ पर आपको लाइट ग्रे कलर का जो है वो टाइल का आप यूज़ देख सकते हैं, और जितनी भी यहाँ पर सैनिटरी यूज़ की गई है वो आपको जेट ब्लैक कलर में मिलेगी। उसके बाद आपको वैनिटी के बिल्कुल ऑपोजिट साइड के ऊपर आपको इसकी क्लोजेट मिलेगी, जो कि कम्प्लीटली ग्लास के साथ कवर्ड की गई है, और दूसरी साइड के ऊपर आपको जकूजी की स्पेस मिलेगी, और इसके ऑपोजिट साइड पे आपको शावर का एरिया मिलेगा, जहाँ पर अगेन आपको
वॉल हैंग कंसील्ड शावर मिलेगा। तो ये था व्यूवर्स मास्टर बेडरूम का व्यू। उसके बाद हम चलते हैं टीवी लॉन्च और सिनेमा रूम की तरफ। तो ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट के अंदर आपको सिनेमा रूम और लिविंग एरिया मिलेगा। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें सिनेमा रूम से, डोर की हाइट्स आप अगेन देख सकते हैं, आपको 8 फीट मिलेगी, जिसके अंदर आपको ब्रास के हैंडल और ब्रास के स्ट्रिप का यूज़ मिलेगा। उसके बाद अगर हम सिनेमा रूम देखें तो कंप्लीट सिनेमा रूम के अंदर आपको साउंड प्रूफिंग सिस्टम और यामाहा का जो है वो म्यूज़िक इंस्टॉल्ड मिलेगा। डार्क ग्रीन और जेट ब्लैक कलर के थीम के अंदर इस कंप्लीट सिनेमा को डिज़ाइन किया गया है। सिटिंग स्पेस इन्होंने इस टाइम पे जो है वो 4 सिटिंग स्पेस दी गई है, लेकिन इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 10 सिटिंग कैपेसिटी। 4K प्रोजेक्टर आपको इस सिनेमा के अंदर ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल मिलेगा। उसके बाद हम चलते हैं लिविंग एरिया की तरफ। तो दोनों मिड में पाउडर रूम और सिनेमा के दरमियान में आपको स्टोर की स्पेस मिलेगी, और उसके बाद पाउडर रूम। पाउडर रूम को भी अगेन जो है वो आप देख सकते हैं ब्लैक और लाइट ग्रे कलर में डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर भी आपको वॉल हैंग कमोड और एक सिंगल वैनिटी मिलेगी। हैंडल्स की अगर हम बात करें तो कंप्लीट आपको इसके हैंडल जो है वो ब्रास के मिलेंगे। और उसके बाद हम चलते हैं टीवी लॉन्च की स्पेस की तरफ, जहां आपको कंप्लीट फ्लोरिंग जो है वो इसकी वुडन की मिलेगी। और आपको यहां पर ट्रेडिशनल और मॉडर्न डिज़ाइन दोनों डिज़ाइन का जो है वो इस रूम के लिविंग एरिया के अंदर फर्नीचर मिलेगा। इसकी बैक साइड से आपको सिनेमा का व्यू मिलेगा। और वॉल के ऊपर आप ये टाइल्स देख सकते हैं, और उसके बाद फायरप्लेस। तो ये था व्यूवर्स लिविंग एरिया। उसके बाद हम चलते हैं स्विमिंग पूल की तरफ। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्मोक डिटेक्टर और फायर एक्सटिंग्विशर की इंस्टॉलेशन तमाम फ्लोर्स के अंदर देख सकते हैं। स्विमिंग पूल के एरिया में एंटर होते ही साथ आप ये देख सकते हैं स्विमिंग पूल का व्यू। और इसकी अगर हम डेप्थ की बात करें तो ये स्टार्ट 4 फीट से लेके 8 फीट तक की हाइट में जो है वो इसकी डेप्थ एंड होती है, और दोनों साइड से इसको जो है वो ओपन रखा गया है। बैक साइड की वॉल के ऊपर आपको ट्रेवर्टाइन और LED सीनरीज का जो है वो यहाँ पर यूज़ किया गया है। स्पेस को बिल्कुल आप ये देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए ओपन रखा गया है। पूल का व्यू जो है वो आपको बेडरूम टीवी लॉन्च और लिविंग एरिया तीनों साइड से मिलेगा। तो ये था व्यूवर्स कंप्लीट बेसमेंट का व्यू, जिसके अंदर आपको एक मास्टर बेडरूम, टीवी लॉन्च, लिविंग एरिया, सिनेमा रूम, स्विमिंग पूल और पाउडर की जो है वो एक्सेस, पाउडर रूम की एक्सेस मिलेगी। उसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। लिफ्ट की जो है वो आपको एक्सेस फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट और रूफ टॉप तीनों जगह पर जो है वो मिलेगी। तो हम इसमें जो है वो फर्स्ट फ्लोर का जो है वो व्यू करते हैं। मैक्सिमम पर्सन की अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो 4 to 5 पर्सन की कैपेसिटी जो है वो इस लिफ्ट के अंदर दी गई है, और बैकअप के लिए जनरेटर का यूज भी जो है वो किया गया है। तो फर्स्ट फ्लोर पे एंटर होते साथ आप इसकी लॉबी से जो है वो मेन एंट्रेंस का व्यू देख सकते हैं। टॉप के ऊपर अगेन जो है वो आपको शैंडलियर मिलेगा। तो वन बाय वन हम कंप्लीट रूम्स का जो है वो व्यू करते हैं।
सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें मास्टर बेडरूम से, तो आपको लाइट कलर के थीम के अंदर ये कंप्लीट मास्टर बेडरूम मिलेगा। टाइल की सिलेक्शन आप देख सकते हैं, ऑफ वाइट कलर और लाइट ग्रे कलर के टेक्सचर में आपको इसकी कंप्लीट टाइल मिलेगी। लाइट ग्रे कलर के कंप्लीट जो है वो इसका पेंट, और डार्क कलर की कम्बिनेशन के अंदर आपको इसका किंग साइज बेड मिलेगा। जिसकी बैक फीचर्ड वॉल है उसके अंदर आप ब्रास की स्ट्रिप देख सकते हैं। और सिटिंग स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अगेन 3-4% की सिटिंग कैपेसिटी आपको मिलेगी। बेडरूम से आप स्ट्रीट का व्यू देख सकते हैं, और उसके बाद हम चलते हैं मीडिया वॉल की तरफ, जो कि अगेन ब्रास टाइल वुड और बॉटम के ऊपर आपको ड्रॉअर मिलेंगे। उसके साथ चलते हैं रूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम। वॉशरूम को भी अगेन आप ये देख सकते हैं, कंप्लीट फ्लोरिंग जो है वो आपको वुडन कलर में मिलेगी। एक मिनट के अंदर आपको जैकूजी की इंस्टॉलेशन, डबल वैनिटी, और फ्रंट के ऊपर आप ये देख सकते हैं ग्लास क्लोजेट का। फ्रंट ग्लास में जो है वो आपको एलईडी ग्लास और डिफोगर ग्लास मिलेंगे, और वॉल हैंग का मोट, और दूसरी साइड के ऊपर आपको इसका कंसील्ड शॉवर मिलेगा। मास्टर बेडरूम के बाद हम चलते हैं ऑफिस स्पेस की तरफ। तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको एक ऑफिस की स्पेस भी मिलेगी। स्टडी रूम या आप इसको एज ऑफिस स्पेस भी यूज करें। बैक साइड के ऊपर आपको कंप्लीट जो है वो ट्रेंडिंग डिकोर मिलेंगे, और डार्क ग्रीन कलर में आपको इस कंप्लीट ऑफिस का जो है वो थीम मिलेगा। इनर कोर्ट यार्ड की एक्सेस जो है वो आपको ऑफिस और टीवी लॉन्च दोनों साइड से मिलेगी। फर्स्ट फ्लोर के टीवी लॉन्च की अगर हम बात करें तो एक स्टैंडर्ड साइज़ का टीवी लॉन्च की स्पेस आपको यहाँ पर मिलेगी, जहाँ पर एक कॉर्नर के ऊपर किचन की स्पेस, और फ्रंट के ऊपर आप ये देख सकते हैं मीडिया वॉल। अगेन यहाँ पर भी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 7-9% के सिटिंग स्पेस आपको मिलेगी, और पैटियो की एक्सेस जो है वो आपको दोनों साइड से मिलेगी। यहाँ पर प्रॉपर आप बारबेक्यू एरिया जो है वो डिज़ाइन किया गया है। प्राइवेसी के लिए आप ये देख सकते हैं 7 feet हाइटेड वॉल, जिसके अंदर आपको रॉट आयरन, ट्रेवर्टाइन स्टोन और रॉक वॉल का यूज़ मिलेगा। तो ये था व्यूवर्स कोर्टयार्ड का ओवरव्यू। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड और थर्ड बेडरूम की तरफ। लॉबी के दूसरी साइड पे आपको एक मेड रूम मिलेगा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, जहाँ पर अगेन जो है वो आप टाइल का यूज देख सकते हैं। ये आपको मेड रूम मिलेगा, जिसके साथ आपको एक अटैच्ड वॉशरूम भी मिलेगा। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम के अगर हम थीम की बात करें तो यहाँ पर आपको ग्रीनिश कलर की फीचर्ड वॉल मिलेगी, और डार्क ब्राउन कलर का जो है आप ये वुडन फ्लोर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको एक कॉफी टेबल और सीलिंग का डिज़ाइन जो है वो प्लेन मिलेगा। सेम रूम के थीम के साथ जो है वो वॉशरूम का थीम जो है वो डिज़ाइन किया गया है। आपको क्लोज़ेट मिलेगी एक कॉर्नर के ऊपर, फिर वॉल हैंग कमोड, और सिंगल जो है वो आपको वैनिटी मिलेगी, जिसके फ्रंट के ऊपर आप ये देख सकते हैं एलईडी और डिफोगर ग्लास का यूज़ किया गया है। टाइल्स के अगर हम इस वॉशरूम में सिलेक्शन की बात करें तो आपको स्पेनिश टाइल जो है वो इस वॉशरूम के अंदर मिलेगी,
और ये आप देख सकते हैं ग्रोही की फिटिंग इस कंप्लीट वॉशरूम के अंदर। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट बेडरूम की तरफ, जिसका डिज़ाइन जो है वो आपको डार्क और लाइट पिंक कलर में मिलेगा, और फ्लोर जो है वो कम्प्लीटली आप ये देख सकते हैं इसमें भी जो है वो वुडन फ्लोर का यूज़ किया गया है। इसकी लोकेशन बिल्कुल फ्रंट एलिवेशन की साइड पे आपको मिलेगी, टू साइडेड आपको विंडो मिलेगी सीलिंग की हाइट तक, और अगेन यहाँ पर भी जो है आपको डबल ग्लेस और टेम्पर्ड ग्लास का यूज़ मिलेगा। पेंट की अगर हम बात करें तो रिमेनिंग टू साइड की वॉल है वहाँ पर नोवा पेंट यूज़ किया गया है। थर्ड वॉल के अंदर आपको मीडिया वॉल मिलेगी, जिसके अंदर आप ब्रास और फॉर्मिक शीट का यूज़ चेक कर सकते हैं, और जो मेन फीचर्ड वॉल है उसके अंदर भी आपको ग्लास और फॉर्मिक शीट का यूज़ मिलेगा। अगेन यहाँ पर भी जो है वो किंग साइज बेड मिलेगा आपको, दोनों साइड्स के ऊपर आप ये देख सकते हैं साइड टेबल और इलेक्ट्रिक लैंप का यूज़। 5 to 6% की सिटिंग स्पेस मिलेगी, और ग्री का जो है वो आपको इसके अंदर इन्वर्टर मिलेगा। रूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम, और एंड तक आप वॉशरूम की डोर की हाइट देख सकते हैं 8 फीट रखी गई है। वॉशरूम में अगर हम फ्लोर की बात करें तो यहाँ पर आपको लाइट ब्राउन कलर की टाइल्स कंप्लीट वॉल और फ्लोर पे मिलेगी, और कुछ पोर्शन के अंदर आपको ट्रेवर्टाइन का यूज मिलेगा। एक कॉर्नर के ऊपर आप ये शावर का एरिया देख सकते हैं। क्लोजेट जो है वो एंट्रेंस के लेफ्ट साइड पे आपको मिलेगी एल शेप के अंदर, जिसकी स्टोरेज स्पेस आप देख सकते हैं कंप्लीट सीलिंग की हाइट तक इसकी स्टोरेज स्पेस आपको मिलेगी। तो ये था व्यूवर्स फर्स्ट फ्लोर का ओवरव्यू, जिसके अंदर आपको 3 बेडरूम टीवी लॉन्च, फीमेल मेड रूम, और आपको जो है वो ऑफिस की स्पेस मिलेगी। उसके बाद हम चलते हैं रूफ टॉप के ऊपर। तो रूफ टॉप के ऊपर जो है वो प्रॉपर सिटिंग, और आपको नेचुरल ग्रास का जो है वो यूज़ उसके अंदर आपको मिलेगा। अगेन लिफ्ट के साथ जो है वो आपको एक्सेस मिलेगी रूफ टॉप की। इसके बॉर्डर के ऊपर आपको कंप्लीट ग्रास का जेट ब्लैक मार्बल का यूज़ मिलेगा। लिफ्ट के अगर हम इंटीरियर की बात करें तो कंप्लीट जो है वो आपको स्टेनलेस स्टील की जो है वो लिफ्ट मिलेगी, और फ्लोर के ऊपर जो है वो आपको वुडन कलर की टाइल का यूज करेगा। तो रूफ टॉप पे एंटर होते ही साथ आपको दोनों साइड्स लेफ्ट और राइट के ऊपर नेचुरल ग्लास की जो है वो इंस्टॉलेशन मिलेगी। कुछ एरियाज के अंदर आपको मार्बल, स्टोन, और रिमेनिंग पोर्शन के अंदर जो है वो आपको टाइल का यूज़ मिलेगा। सीमेंटेड वाटर टैंक की स्पेस आपको एक एंड पे मिलेगी। तो ये था व्यूवर्स कंप्लीट 2 canal हाउस विद बेसमेंट का रिव्यू, जिसके अंदर आपको 6 बेडरूम, 3 TV लॉन्च, डाइनिंग एरिया, ड्राइंग रूम, सिनेमा रूम, ऑफिस और स्विमिंग पूल की जो है वो स्पेस मिलेगी। एंड के ऊपर आपको रूफ टॉप मिलेगा। घर की लोकेशन जो है वो DHA लाहौर है, और इसकी अगर हम डिमांड की बात करें तो इसकी डिमांड 36 करोड़ है। वीडियो के बारे में मज़ीद डिटेल और इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।